पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसको डिनोट किससे करते हैं, डायोप्टर 1D इज इक्वल टू क्या होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ लेंस का यूज कहाँ करते हैं, बहुत सारे लेंस एक साथ जुड़े हो तो उसका कॉम्बिनेशन का क्या पावर होगा, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। इट इज एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जो प्रकाशी किरण को एक जगह लाने, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कराने, या एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज कराने की एबिलिटी, एबिलिटी ही उसकी क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस कहलाता है। यानी एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इसका दूसरा डिफिनेशन भी होता है, दूसरा डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होता है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हमारा पावर ऑफ लेंस हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बाई जो भी होगा उसका रिवर्स कर देंगे, वन अपन समथिंग इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है तो 1/f, f डिनोट किस क्या इंडिकेट करता है, फोकल लेंथ को। तो डिफिनीशन हो गया इसको, फोकल पावर ऑफ लेंस को हम किससे निरूपित करते हैं, इंडिकेट किससे करते हैं, पावर ऑफ लेंस को हम इंडिकेट करते हैं पी से, पी, और इसका यूनिट क्या होता है, डायाप्टर, क्या होता है, ले पावर ऑफ लेंस के यूनिट क्या होता है, डायोप्टर डी। और 1D इज इक्वल टू कितना होता है, पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। जैसे चूंकि हम देखेंगे पावर जो होता है, पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, किस में फोकल लेंथ हमेशा किस में होगा, इन मीटर, हमेशा मीटर में फोकल लेंथ को रखते हैं। कई बार हम सवाल बनाते वक्त हमको दे देता है कि पावर ऑफ लेंस निकालिए जिसकी फोकस फोकल लेंथ 35 cm है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और पावर ऑफ लेंस निकाल लेते हैं, जबकि ये गलत है। हमेशा पावर ऑफ लेंस फोकस फोकस दिया हो तो उसको किस में बदलेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे, 0.35 मीटर, क्या होगा, 0.35 मीटर। तो ऑलवेज वी पुट इन मीटर और वेन फोकल लेंथ विल बी गिवन एंड पावर ऑफ लेंस विल बी आस्क देन। नाउ चूंकि हमको 1D इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1D इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस जो डायोप्टर होता है, 1D किसके बराबर होता है, 1 मीटर। यदि हम यहाँ पर 1 रखें और किस में रखना है, मीटर में, यानी 1 मीटर रखें, 1D इज इक्वल टू 1, यानी एक डायोप्टर बराबर क्या होगा, फोकल लेंथ 1 मीटर। यदि उसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 डायोप्टर के। तो वही बोल रहा है, 1D इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। यदि फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसके वैल्यू कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा। और यदि मतलब दिया हो हमारे पास कि उसके किसी व्यक्ति के चश्मे का पावर जो है +2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी पावर जो है पी बराबर, चूंकि 1/f होता है, पी यदि 2 दिया हो तो 1/f इज इक्वल टू 2, एफ इज इक्वल टू 1/2, यानी उसका फोकल लेंथ कितना है, 0.2 मीटर, क्या है, फोकल लेंथ उसका 0.2 मीटर है। अब ये इंडिकेट प्लस साइन है इसके साथ, इसको हमें देखना है कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, लेकिन यदि पावर 2 बता रहा है, इसका +2, इसका मतलब उसका फोकल लेंथ कितना है, +2 मीटर। तो ये हम जो चश्मा है उसमें यूज करते हैं। कई बार हम जब टेलीस्कोप का यूज करें तो उसमें हमारे पास 2 या 3 का जो है लेंस लगा होता है, तो इनका पावर निकालने के लिए क्या होता है, तो हम इसके एक डिफिनीशन होता है,
वो होता है कि कॉम्बिनेशन, पहले हमको देखते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस की, लेंस का कॉम्बिनेशन निकालना हो तो इसका डेफिनेशन होता है द अलजेब्रिक, अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस, यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस, एंड जितना भी इंडिविजुअल लेंस दिया होगा उसका अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम मतलब विथ साइन, प्लस साइन दिया हो तो प्लस साइन, माइनस साइन दिया हो तो माइनस साइन, जैसे पी यदि हमारे पास प्लस टू, प्लस वन, माइनस वन,